देखिए बच्चों, हाथ धोने सिखाएंगे। हाथ धोने से क्या होता है, हम हाथ कब कब धोते हैं पहले हमें ये बताएंगे। हमें हाथ कब धोना चाहिए? 10 तारीख। आज 10 तारीख है, वो तो अच्छी बात में पता है, लेकिन हमें खाना खाने से पहले हाथों को धोना चाहिए। हम जब खाना खाने जाते हैं तो हाथ पहले धुलेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, और सोच के बाद। सोच को समझते हो क्या है? क्या है सोच बताओ? सुबह जब हम लैट्रिन जाते हैं, लैट्रिन से आके हम अपने हाथों को साबुन से धोते हैं, तो देखिए हम कैसे धुलेंगे। हमने पहले साबुन को लिया, इसमें हमने पानी डाला, फिर हम इसको ऐसे मिलाएंगे। अब देखिए इससे क्या होगा, झाग बनेगी है। हमें कैसे धुलना है, हाथों को खूब रगड़ के धुलना है। बेटा शैतानी नहीं, इधर देखिए हाथ कैसे धुले जाते हैं। देखिए, हाँ हम साबुन डालेंगे, फिर हम पानी डालेंगे, फिर हम उसको धुलाएंगे। हाँ, फिर हम ऐसे करके देखिए ऊपर नीचे उसको धुलाएंगे हाथों को, और इसके बाद हम जो हमारे नाखून है, नाखूनों में गंदगी भर जाती है। जो ये नाखूनों की गंदगी है, जब हम खाना खाते हैं अगर हम साफ नहीं करेंगे तो ये गंदगी हमारे अंदर चली जाएगी। जब ये गंदगी हमारे अंदर चली जाएगी तो क्या होगा, गंदगी से हमें क्या होगा, बीमारी हो जाएगी कि नहीं? जब बीमारी हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर हमारा इलाज होगा। और अगर ज्यादा बीमारी हो गए, ज्यादा गंभीर बीमारी हो गए, तो हम लोग मर सकते हैं कि नहीं भाई? गंदगी से बीमारियां होती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम खाना खाने से पहले हमें हाथों को धुलना है, और सोच के बाद हमें धुलना है, और धुलने के बाद हम देखिए ये कलाई भी धुलेंगे। और दिन में 4 बार अगर खाना खाओ तो 4 बार। हाँ, दिन में अगर 3 बार खाना खाते हैं, 4 बार खाते हैं, हमें उतने बार अपने हाथों को साबुन से धुलना चाहिए, जिससे हमें गंदगी भी नहीं होगी और हम सफाई भी रखेंगे अपने शरीर की। जब हम साफ रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद फिर हमें पानी डाल के अच्छे से धो लेना है। देखिए हाथ धुल गए। इसके बाद हमें यहाँ तो साफ तौलिए से पहुँचना है। साफ ये नहीं गंदे हो फिर पहुँच लो, फिर गंदे हाथ हो जाएंगे। साफ तौलिए से हमें अपने हाथों को पहुँचना चाहिए। अगर तौलिया नहीं है तो हम इनको ऐसे करके हवा में भी सुखा सकते हैं, तब हम खाना खाएंगे। ठीक है बच्चों? तो हमें खाना खाने से पहले और सोच के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छे तरह से धो लेना चाहिए। अब हम तो मोहम्मद है तुम्हारा हम लैट्रिन से जब आते हैं तो हम अपने हाथों को साबुन से धोते हैं, हक नहीं बोलते हैं। ठीक है, लैट्रिन बोलते हैं। जब हम लैट्रिन से आते हैं अपने साबुन को हम 2-3 बार हाथों को साबुन से धुलेंगे। धुलने के बाद पहुंच के तब हम खाना खाएंगे, इससे हम स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों बजाइए तालियां जोरदार, और हमने हाथ धुलने से काफी लाभ लिया।